काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स क्या हैं और उनके उपयोग के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए उनकी आवश्यकता क्यों होती है। इस वीडियो में हम टैली में उपयोग होने वाले अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बताएंगे। इन दोनों में आपको देखने में बहुत ही समानता मिलेगी। उसका कारण ये है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत बिजनेस ट्रांजैक्शन से होती है। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग में सबसे पहले उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। टैली ने इस काम को बहुत ही सरल बनाते हुए जर्नल के स्थान पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर्स दे दिए हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इनके नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा। आइए इन वाउचर्स को एक एक करके समझ लेते हैं। टैली ने हमें जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स दिए हैं वो हैं रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और जर्नल वाउचर। टैली हमें ये सुविधा भी देता है कि हम इन वाउचर्स में अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, यानी इनको अल्टर कर सकते हैं और चाहें तो नए वाउचर्स भी बना सकते हैं। पहला है रिसीट वाउचर। जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त करता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ति होती है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि कैश सेल से प्राप्त होने वाली कोई भी राशि यानी प्राप्ति इस वाउचर में नहीं आएगी, क्योंकि टैली ने सेल्स के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। फिर है पेमेंट वाउचर। जब व्यवसाय या व्यापार में नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपने कैश परचेस से संबंधित कोई पेमेंट की है तो वो इस वाउचर में नहीं आएगी, क्योंकि टैली ने परचेस के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। फिर है कॉन्ट्रा वाउचर। इसको समझने से पहले पैटी कैश को समझना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय में छोटे छोटे खर्चों जैसे वाहन खर्च, जिसमें कि डीजल, पेट्रोल, मरम्मत आदि का खर्च आ जाता है, कार्टेज यानी ढुलाई का खर्च, पोस्टेज, स्टेशनरी इत्यादि के लिए कुछ कैश अलग से रख दिया जाता है, इस तरह के कैश को पैटी कैश कहते हैं। पैटी कैश कैश अकाउंट से अलग होती है, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ छोटे छोटे खर्च के लिए ही किया जाता है और कई कंपनियों में पैटी कैश अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही बनाए जाते हैं। आइए अब कॉन्ट्रा वाउचर को समझ लेते हैं। इस वाउचर का उपयोग कैश अकाउंट से पैटी कैश, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी हमने कॉन्ट्रा वाउचर में जो ट्रांसफर बताए हैं उनमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही हमारे हैं। इसमें बाहर की कोई पार्टी सम्मिलित नहीं है, यानी कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी। या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इस वाउचर का उपयोग
पैसा एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं परचेज वाउचर। जब विक्रय के लिए माल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में कैश या क्रेडिट पर कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखें, व्यवसाय में जो भी स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है उसके ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाउचर का संबंध सीधा एक्सपेंसेस से होता है, जबकि संपत्ति असेट होती है। अगला है सेल्स वाउचर। जब व्यापार में खरीदे गए माल का विक्रय या मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में तैयार माल का विक्रय किसी कस्टमर को कैश या क्रेडिट पर किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखें, यदि व्यवसाय की कोई स्थायी संपत्ति बेची जाती है तो उसके ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाउचर का सीधा संबंध इनकम से होता है, जबकि संपत्ति असेट होती है। अब हम देखते हैं डेबिट नोट वाउचर। जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से, जैसे माल खराब होना, जिस क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल नहीं होना, या अन्य किसी कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो कस्टमर के लिए ये परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय परचेज में से कम किया जाता है। कई बार कस्टमर द्वारा खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है और वो सप्लायर को उस शिकायत के बारे में बताता है। सप्लायर उस शिकायत की भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देने की सहमति प्रदान करता है, तो इस तरह की छूट की राशि को कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट नोट वाउचर। जब किसी भी कारण से कस्टमर द्वारा सप्लायर द्वारा बेचा गया माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटर्न कहलाती है। और इसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेल्स में से कम किया जाता है। इसी तरह यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल में कस्टमर कोई शिकायत करता है और सप्लायर उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देता है तो इस तरह की छूट को भी सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल वाउचर। इस वाउचर में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं वो हैं ओपनिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एंट्रीज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ चेक्स, क्रेडिट परचेसेस एंड सेल ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, एंट्रीज ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। इन एंट्रीज के बारे में हम आपको आगे की वीडियोस में समझाएंगे। अभी सरल भाषा में ये समझ लें कि जो एंट्री हम पहले बताए किसी भी वाउचर में नहीं कर पाते हैं वो एंट्रीज जर्नल वाउचर में की जाती हैं। वाउचर्स के बारे में जानने के बाद अब आप ये समझ गए होंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन को किस वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे जिन्हें आपको पहचानना है कि वे किस वाउचर से संबंधित हैं, यानी उन्हें किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है। आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF दिया है।